अब हम जा रहे हैं काठमांडू दरबार स्क्वायर जी, यहाँ से अभी 500 रुपए की मतलब जो है। अब हम जा रहे हैं काठमांडू दरबार स्क्वायर, जहाँ पर जो राजा थे अपना दरबार सजाते थे, वहाँ हम जा रहे हैं। यहाँ से ऊपर की तरफ जाना है हमें, थोड़ा वॉकिंग है, फिर आगे आगे लेफ्ट हैंड पर है। तो यहाँ नीचे से हम आए हैं ऊपर आकर के, अब यहाँ आगे की तरफ काठमांडू दरबार स्क्वायर है, जहाँ पर जो यहाँ के राजा थे वो अपने दरबार से जाते थे। तो चलिए आपको दिखाते हैं फिर। तो जी यहाँ से अभी 500 रुपए की मतलब जो नेपाली करेंसी का 500 रुपए है, वहाँ का हमने टिकट लिया है अंदर का, अंदर जाने के लिए। अब यहाँ से हम अंदर की तरफ जाएंगे और आपको दिखाते हैं काठमांडू दरबार स्क्वायर। ये देखिए सामने में, यहाँ बिना टिकट के आप अंदर नहीं जा सकते। ये एक यहाँ का हिस्टोरिकल प्लेस है जो आप देख रहे हैं इस वीडियो में। और जब जो 2015-16 का जो यहाँ पर भूकंप आया था, उस टाइम यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। आप ये देखिए, तो चलिए फिर मैं आपको इस काठमांडू दरबार स्क्वायर के बारे में थोड़ा बताता हूँ। सबसे पहला, ये वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को के अंतर्गत आता है, मतलब ये एक ऐतिहासिक धरोहर है। यहाँ पर देश विदेश सैलानियों की मुख्य आकर्षण केंद्र है। ये मल्ल राजाओं का निवास स्थान रहा यह है दरबार स्क्वायर। अपने काष्ठ मंडपों, जो आप देख रहे हैं ना, बड़े बड़े जो बने हुए हैं मंडप टाइप के जो दिख रहे हैं आपको, यही इन मंडपों के लिए मशहूर है। यहाँ पर कितने काष्ठ मंडप और लकड़ी के मंदिर और महल बनाए गए कि उनके नाम पर ही इस जगह का नाम काठमांडू पड़ गया था। जो काठमांडू नाम पड़ा है वो इसीलिए पड़ा है यहाँ पर। पहले मल्ल राजाओं का निवास स्थान रहा यह जगह, जब पृथ्वी पर नारायण शाह नाम के राजा का निवास स्थान भी बनी। आजकल नेपाल का राजवंश सिटी पैलेस में रहता है, तो भी लोगों के लिए इस जगह की वही अहमियत है जो पहले थी। नेपाल में राजतंत्र आने के बाद इस जगह को आम लोगों के लिए खोल दिया गया था। इसी दरबार स्क्वायर में हनुमान ढोका नाम का एक जगह है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। 16वीं सदी में राजाओं ने जब इस जगह को बनवाया तो हर मंदिर के बाहर हनुमान जी की मूर्ति भी दरवाजों पर बनवा दी। यहाँ की मुख्य पहचान यहाँ का काष्ठ मंडप, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण एक ही वृक्ष की लकड़ी से हुआ था और इसमें एक भी कील मौजूद नहीं है, ना ही इस्तेमाल की गई है। जा रहे हैं काठमांडू दरबार स्क्वायर का जो म्यूजियम है उसको देखने के लिए, और आपको दिखाते हैं हम। तो आप ये देख रहे हैं मेरे पीछे में, ये है यहाँ का काठमांडू दरबार स्क्वायर का म्यूजियम। अब हम यहाँ पर अंदर में जा रहे हैं, इसके ऑलरेडी हम टिकट ले चुके हैं। तो चलिए फिर चलते हैं अंदर की तरफ। अगर कोई बाहर टिकट नहीं आता, यहाँ से भी टिकट ले सकते हैं वो अपनी। तो चलिए फिर चलते हैं अंदर की तरफ। ये राजा का म्यूज वो है दरबार।
ये नेपाल की हिस्ट्री का है पूरा, जो नेपाली राजा थे उन्होंने क्या क्या दमखम दिखाए हैं अपने, जो वही सब ये यहाँ पर लगे हुए हैं फोटोज और उनकी हिस्ट्री के बारे में। तो जी हम अंदर दरबार स्क्वायर का जो म्यूजियम है यहाँ का वो हम अंदर घूम आए हैं, अब आगे की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं आगे में क्या है। बहुत बढ़िया बना रखा है अंदर में, ये सब रेनोवेट हो रहा है, जो कि अर्थक्वेक जो आया था भूकंप उसमें सारा बर्बाद हो गया था। ये पूरा दरबार स्क्वायर है, पूरा जितना भी बड़ा है ये। ये माता रानी का मंदिर है यहाँ पर, तो ये पूरा KTM दरबार हम घूम चुके हैं, KTM दरबार स्क्वायर। अब चल रहे हैं अपना आगे की तरफ और देखते हैं और क्या है यहाँ पर काठमांडू में घूमने के लिए। और यही है वो जहाँ पर हम गए थे म्यूजियम के अंदर में, ये कितना बाहर से कितना बढ़िया बना रखा है ये।